जिसको हम महात्मा समझते हैं, शास्त्र समझते हैं, बड़ा समझते हैं, उसने मना कर दिया कि तुम ये साधन मत करना। तो क्या होगा कि आप वो साधन करेंगे तब भी आपके मन में कहीं न कहीं ग्लानि प्रविष्ट हो जाएगी। तो अपरयुदत्ता होना चाहिए, अर्थी समर्थ विद्वान शास्त्रेण अपरयुदत्ता। चार बात होने पर मनुष्य अधिकारी होता है, किसी बड़े ने निषेध न किया हो, समझ ठीक हो, करने का सामर्थ्य हो और करने की इच्छा हो। तो बोले हम तो कॉलेज के लड़कों को ध्यान करना सिखाऊंगे। अरे भाई अभी उन्हें भोग राग करने दो, अभी उन्हें खेलने दो। जब उनके मन में वर्तमान में जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसमें असंतोष होगा, अशांति होगी, तो अपने आप ही साधन ढूंढते हुए वे आवेंगे। अपने घर का संस्कार, परिवार का संस्कार आप डालिए, उनको ईश्वर से क्यों मिलाना चाहते हैं? ईश्वर क्या उनके बिना रो रहा है? अरे जब वो रोएंगे तब उनको ईश्वर की ओर ले चलेंगे। ऐसी इसकी विधि है, इसलिए ये प्रचार का लाउड स्पीकर लगाया और पर्चे छपाए और गांव में कहते फिरे। ये तो जिसके मन में प्यास हो, जिज्ञासा हो, सौ बार गर्व हो। अच्छा अब दूसरी बात इसके संबंध में सुनो, ये हम लोग जो कुछ करते हैं ना वो बिल्कुल सामान्य रूप से ही करते हैं, जिसका विशेष रूप जो है वो बिना जिज्ञासु के, बिना पिपासु के प्रकट कर भी नहीं सकते और करें तो उसको ग्रहण नहीं होगा। उसकी भलाई इसी में है कि पहले उसकी प्यास जगे। एक है कि आप कोई भी आचार का पालन करते हैं वो अपनी बुद्धि से करेंगे तो कभी दुविधा हो जाएगी। अपने से बड़ा जो सदाचारी है और बुद्धिमान है उसका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अच्छा समझदारी इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो आचरण में खुचर निकाल के और उसमें दुविधा पैदा कर दे। आचार को बिगाड़ने वाली समझदारी नहीं होनी चाहिए और समझदारी पर हावी हो जाए ऐसा आचार, कट्टर आचार भी नहीं चाहिए। और आचार और समझदारी दोनों मिलके हमारे आनंद को खा जाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आनंद, समझदारी और आचार तीनों जीवन में एक साथ समझ। अब एक बात और आपको सुनाते हैं, ये जो सूक्ष्म ध्यान है या सूक्ष्म स्थितियां हैं ये सब शुद्ध हैं ऐसा नहीं। शुद्ध दूसरी वस्तु होती है और सूक्ष्म दूसरी वस्तु होती है। काम अंतःकरण के बहुत सूक्ष्मतम प्रदेश में हो सकता है परंतु उसको शुद्ध नहीं कह सकते। कोई चीज महीन होने से ही शुद्ध नहीं हो जाती। शुद्ध होना तो वहां है जहां अज्ञान न रहे, जहां माया न रहे, छल न रहे, कपट न रहे, दम्भ न रहे, आत्मख्याति माने अपने आप में बड़प्पन का आरोप न रहे। तो शुद्ध केवल परमात्मा है, जहां आप परमात्मा से मिलते हैं वहां आप शुद्ध होते हैं। सूक्ष्मता तो आणविक भी हो सकती है और माइक भी हो सकती है, परंतु शुद्धता केवल जो परमार्थ तत्व है, मृत्यु से, बेवकूफी से और दुख से अतस्पृष्ट और देश काल वस्तु से न कटने वाला जो परम तत्व है वही शुद्ध होता है। दूर की वस्तु देख सकते हैं, दूसरे के मन की जान सकते हैं, भूत भविष्य को पहचान सकते हैं, कहाँ क्या चीज रखी है ये भी आपको मालूम पड़ सकता है, आप उड़ के वहाँ जा सकते हैं, आप केवल संकल्प से उस वस्तु को बुला सकते हैं। सिद्धियाँ सब सूक्ष्म दशा में पहुँचने पर प्राप्त हो जाती हैं, परंतु शुद्ध हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। आप सतावधानी हो जाएं, सहस्रावधानी हो जाएं
आकाश में उड़ने लग जाएं, दूर की वस्तु हाथ से उठा लें, इंग्लैंड की वस्तु हाथ से उठा लें, सूक्ष्मता में क्या नहीं हो सकता है, वो वस्तु खुद चल के आपके पास आ जाए। परंतु शुद्ध जो अवस्था है वो बिल्कुल दूसरी वस्तु है। और शुद्धे शुद्धम आसिक्तम, शुद्ध वस्तु जब शुद्ध में डाली जाती है तब शुद्धम भवति भारत, शुद्धे शुद्धम आसिक्तम शुद्धम भवति। जब शुद्ध में शुद्ध डाला जाता है, इसीलिए बेईमान आदमी जब ध्यान करेगा तो उसका मन सूक्ष्म हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म हो जाने पर बेईमानी की और अक्कल उसको सूझने लगेगी। इसमें बुरा मत मानना। और जब शुद्ध होने की इच्छा रहेगी तो बेईमानी को छोड़ना चाहेंगे और ऐसी सूक्ष्म दशा में शुद्ध में पहुंच जाएंगे, सूक्ष्म और शुद्ध में, जहां बेईमानी छूट जाएगी। तो अब आओ आपको पीनाम च दुर्बलाम शक्तिम ध्यात्वा द्वादश गोचरे प्रविश्य हृदय ध्यायन मुक्तः स्वातंत्र्यमाप्नुयात्। आपके शरीर में एक शक्ति काम है, बिना शक्ति के तो आप, अब ये देखो शक्ति है, हाथ को उठाने वाली, गिराने वाली, हाथ को सिकोड़ने वाली, फैलाने वाली, जीभ को हिलाने वाली, आंख चलाने वाली, एक शक्ति आपके शरीर में है। आप शक्ति बनाइए मत। आपने हाथ तो देखा है, इसका फोटो भी लिया है, एक्सरे भी करवाया है। हाथ का एक्सरे तो आपने करवाया है, पर जो शक्ति हाथ के भीतर रहकर काम करती है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया है। हाथ दूसरी चीज है, जिसको हिलाने वाली शक्ति दूसरी चीज है, और हिलाने की इच्छा तीसरी चीज है। और वो है, देखो हिलाने की इच्छा हो और हाथ ना हो तो क्या हिलाएंगे, और हाथ भी हो, हिलाने की इच्छा भी हो पर शक्ति ना हो, हाले लग गया हो हाथ में तो क्या हिलाएंगे। तो तीन चीज हो गई ना, हिलाने की इच्छा, हिलाने की ताकत, तीनों अलग अलग है, और हाथ। अच्छा, हाथ हिलाने या शांत रखने में जो मजा आता है वो चौथी चीज है, जो हिलाता है वो चौथी चीज है, करता है, और जो मजा आता है वो भोगता है। तो द्रव्य है, शक्ति है, इच्छा है, करता है, भोगता है। गुहा सेयम परंपरा, ये देखो गुहा है, द्रव्य से भीतर शक्ति, शक्ति से भीतर इच्छा, इच्छा से भीतर कर्ता, कर्ता से भीतर भोक्ता। आप किसको देखते हैं, आपकी नजर कहाँ रहती है? इनमें से कोई चीज बनाने की नहीं है, ये आपके भीतर है, पर आप देखते किसको, आपकी नजर कहाँ है? वो आपने सुना होगा, एक गुरु और एक चेले यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते में कहीं मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ, पारस मणि में, पारस भाग में। तो चेले ने कहा, महाराज जी रास्ता छोड़ दीजिए, बड़ा गंदा है, कुत्ते का मुर्दा, कुत्ता पड़ा हुआ है, मरा हुआ, दुर्गंध। गुरु जी ने कहा कि देख कैसे दांत चमक रहे हैं, इसके मर जाने पर भी क्या दांत चमक रहे हैं, चमाचम चमाचम, कैसी पॉलिश की हुई है, बिना पुण्य के ऐसे दांत नहीं कर सकते। तो सड़ा हुआ मुर्दा देखा चेले ने और चमकता हुआ दांत देखा गुरु ने। अब आपकी नजर कहाँ जाती है, हड्डी मांस चाम देखते हैं कि जो भीतर शक्ति काम कर रही है उसको देखते हैं, कि जो चेतना काम कर रही है उसको देखते हैं, कि जो मैं है उसको देखते हैं, ये सब है, बनाने की इसमें कुछ नहीं है, कि जो मजा आता है उसको देखते हैं। आपकी नजर कहाँ है? प्लेटफार्म पर तो बुढ़िया माई भी है और युवती भी है, आपकी नजर बुढ़िया माई का बात कर लेने के लिए जाती है
कि युवती की मोहब्बत लेने के लिए जाती है, ये आपकी नजर की बात है कि आपके शरीर में मिट्टी से लेकर हड्डी मांस से लेकर और परमात्मा पर्यंत आपके शरीर में बैठे हुए हैं, आप देखते किसको? दुर्बलां शक्तिम ध्यात्वा द्वादश गोचरे, मूत्रेन्द्रिय से लेकर और मूलाधार स्वाधिष्ठान और सहस्रार और उसके बाद भी समना अमना आदि अवस्थाओं में सर्वत्र एक शक्ति परिव्याप्त है। जहां शक्ति नहीं होगी वहां गति नहीं होगी, बिना शक्ति के गति नहीं होती। शक्ति गतिशील होती है और हमेशा उसकी गति वक्र होती है, टेढ़ी होती है, और उसके बकरी भवन से ही लाल पीला नीला चार पत्ते का दो पत्ते का दस पत्ते का ये जो कमल दिखता है, आठ पत्ते का ये जो डाकनी साकनी हाकनी जो दिखाई पड़ती हैं, ये सब शक्ति के बकरी भवन से ही वो टेढ़ी मेढ़ी होकर वही चमकती रहती है। तो पहले पहले ये स्थूल रूप में दिखाई पड़ती है और बाद में ये सूक्ष्म दुबली पतली हो जाती है। पहले मोटी दिखती है, बाद में ये दुबली पतली दिखने लगती है। माने दृष्टि जब स्थिर हो जाती है तब सूक्ष्म बनाना नहीं पड़ता, उसके सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन होने लगता है। और जब उस शक्ति को आप देखने लगेंगे तो उस शक्ति से भी अंतरंग हो जाएंगे। ये विचित्र बात है कि जो जिसको देखता है वो दिखने वाले पदार्थ की अपेक्षा अंतरंग हो जाता है। ये कार्ड दिखता है तो कार्ड अंतरंग है कि देखने वाली आंख अंतरंग है? आंख अंतरंग है कि वो चेतन के आत्मा के अधिक सन्निकट है। सब आप देखो, जब आप शक्ति का ध्यान करने लगोगे तब अनुभव करोगे कि शक्ति के भीतर बैठकर मैं शक्ति का चलन हिलन उसका स्पंदन देख रहा हूं। तब क्या होगा कि शक्ति और शक्ति के कार्य से आप मुक्त हैं, ये आपको अनुभव हो जाएगा। और तब क्या होगा कि न आप दैहिक वस्तुओं के पराधीन हैं, न देह संबंधियों के पराधीन हैं, न देह के पराधीन हैं, न कर्म के पराधीन हैं। स्वातंत्र्य मात्मुयात। जब आप शक्ति को देखने लग जाएंगे, शक्ति है और है रूप शक्ति को जब आप देखने लग जाएंगे तब उससे स्वतंत्र हो जाएंगे, उसके बंधन से मुक्त हुए और स्वतंत्र हुए। तो कहते हैं जब तक हम अपने को कर्म से संयुक्त समझते हैं तब तक संसार में फंसे हुए हैं, और जब अपने को अकर्म ध्यान कर लेते हैं, ध्यान में अकर्म हो जाते हैं, कर्म से मुक्त, तो वो भी वहां ध्यान का बंधन है। संसार के व्यवहार में कर्म का बंधन है और अकर्मता में ध्यान का बंधन है। जब तक ध्यान करोगे जब तक रहेगा, ध्यान छोड़ दोगे तो छूट जाएगा। तो बोले एक और बंधन सुनाते हैं। लोग अनुभव करते हैं कि हम भोतवाद स्वातंत्र्यहीन हो और बोधहीन स्वातंत्र, ये दोनों बंधन। किसी को बोध तो हुआ नहीं और स्वतंत्र हो गया तो श्रृंखल आचरण करेगा और वो हिप्पी सिद्धांत का अनुयायी हो जाएगा। और यदि बोध होने पर भी स्वातंत्र नहीं आता है तो वो बोध निर्बल रहेगा, वो दृढ़ नहीं होगा। इसलिए स्वातंत्र्यहीन बोध मल है, बोधहीन स्वातंत्र भी मल है। और अकर्ता बने के ध्यान में ही मगन रहना का ये भी मल है, और कर्म के साथ इतना बंध जाना कि दिन भर में 50 बार अपने को पापी पुण्यात्मा समझना, 17 बार पापी हुए दिन भर में, 17 बार पुण्यात्मा हुए, 17 बार सुखी हुए, 17 बार दुखी हुए, ये तो बड़ी परतंत्रता है। पता ही नहीं मूड कब कैसा हो जाएगा,
कब रोने लग जाएंगे, कब हंसने लग जाएंगे। अपने तो बिल्कुल काल के पराधीन कर दिया, कर्म के पराधीन कर दिया। तो कर्म में पराधीनता है और अकर्म में, अकर्म को पकड़ रखने की एक, जो दूसरे को पकड़ के रखेगा तो पकड़ा ही जाएगा, थोड़े वो पकड़ने वाला भी तो पकड़ा जाएगा और दोनों बंधन में रहेंगे। और स्वातंत्र में बिना बोध के अगर स्वतंत्र हो गए तो गिर जाए, और बोध होने पर भी स्वतंत्रता नहीं आई तो बोध में दृढ़ता नहीं आवेगी, निर्बलता आ जाएगी। तो प्रविश्य हृदय इसको कर्ममल, आणवमल, कर्ममल, मायामल और आणवमल के नाम से शास्त्रों में इसका वर्णन है। पाप पुण्य के साथ संबद्ध होना कर्ममल है और अकर्ता बन के बैठना ये मायामल है, और बोध होने पर भी स्वातंत्र न आना ये आणवमल है, सूक्ष्म मल है। मुक्त स्वातंत्र मास्नुयात, और आपको सारे बंधनों से मुक्त करते हैं। आप मुक्त हैं परंतु जानते नहीं, अच्छा जानते नहीं है तो भाव ही कर लीजिए। तो भाव कब तक रखोगे, भाव न रहे तब भी आप मुक्त रहो। देखो सुषुप्ति के समय मैं सुषुप्ति से मुक्त हूँ ये भाव नहीं रहता है, पर आप उससे मुक्त हो जाते हैं कि नहीं, उठते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। जागृत में आप समझते हैं कि हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जब सपने में जाते हैं तो सबसे मुक्त हो जाते हैं। सपने में मालूम पड़ता है ये चाहिए ये चाहिए, सुषुप्ति में जाते हैं तो सबसे मुक्त हो जाते हैं, और जब सुषुप्ति से जागृत में आते हैं तो सुषुप्ति से मुक्त हो जाते हैं। तो असल में आप बद्ध कहाँ हैं, तुम्हारे जैसे हजारों मिले और हजारों चले गए, कितने आए और कितने बदल गए, कितने बाल काले काले आए और फिर सफेद हो गए, ऐसे ही तो सृष्टि है ना। तो इसमें बंधन कहाँ है। भुवनाद्वादि रूपेण चिंतये क्रमशोखिलम् स्थूल सूक्ष्म परस्थितिया जावदन्ते मनोलयः। अब ये दूसरी प्रक्रिया बता, इसको साधन के शास्त्र में पहले भारत धर्म महामंडल वाले तो उपासना नाम से इसका वर्णन करते थे, बाल्यावस्था में हम पढ़ते थे ना, तो हमारे रास्ते में जहाँ हम रहते थे वहां से जब प्रिंस कॉलेज जाते तो रास्ते में भारत धर्म महामंडल में होगा, वहां महाराज स्वामी ज्ञानानंद जी थे, बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। वो जब अपनी दाढ़ी खोल देते थे तो उनके पांव के नीचे चलती थी, इतनी लंबी दाढ़ी थी, सफेद सफेद बिल्कुल गौर वर्ण। 105 बरस तक वे जीवित रहे और कहीं शरीर में सिकन नहीं थी, बिल्कुल मस्ताने बैठे रहते। उनके यहाँ से हम लोग बिल्कुल रास्ते में पड़ता तो आते जाते समय हो तो वहां से निकल जाते, तो सदत्व चिंतन का नाम सुनते थे कि एक था वो लोग उपासना, एक सदत्व चिंतन नाम का साधन होता है। ये क्या होता है महाराज, बोले ऐसे नहीं बताते हैं, केवल शिष्य को ही बताते हैं, सदत्व चिंतन बोलते हैं। तो ये क्या है कि सारा भुवन दिखाई पड़ रहा है वस्तु के रूप में, और इसके भीतर काल है, और काल के से भी सूक्ष्म ऐसी कला है कोई परमेश्वर की या प्रकृति की या कर्म की, कोई ऐसी कला काम कर रही है कि काल के भीतर भुवनों का निर्माण होता है। तो बोले भुवन को काल में और काल को कला में लीन करना है, ये तीन हो गए। तो भुवन में पद है, घटः पटः मठः, और उससे ऊंचा होता है मंत्र, और मंत्र से ऊंचा होता है स्वर वर्ण अकेला। एक अ है, ये वर्ण है स्वर है, और फिर एक अमरूद है अमृत है। अ है और
आ के बाद ओ मंत्र हो गया और मंत्र के बाद बोले पद ये ओंकार मल पद को मंत्र में और मंत्र को वर्ण में जब लीन कर दिया जाता है। देखो आप जैसे गायत्री का जप करते हैं, पहले वेद का पाठ करते हैं फिर गायत्री का जप करते हैं, गायत्री मंत्र है, और जब उसको ओंकार में शांत देखते हैं, पता नहीं आप लोग गायत्री का जप कैसे करते हैं वो तो आपको मालूम नहीं है। मनुस्मृति में एक विधि इसकी लिखी है, मनुस्मृति में है बोला मार्ग ग्रंथ है। मार्ग माने स्मार्ट हो, स्मार्ट माने आपको आधुनिकतम साधना का विज्ञान वो देने को तैयार है। ओंकारम पूर्व मुच्चार्य भूर्भुव स्वस्थैव च गायत्री गायत्री प्रणवश्चान्ते जपो येष उदाहृतः। पहले प्रणव फिर भूर्भुव स्व फिर गायत्री और फिर प्रणव, दो प्रणव तो कम से कम चाहिए। तो वो जो प्रारंभ में ओम है वो हमारे मन को संसार में से उठा लेता है, और आखिर में जो ओम है वो अपने आत्मा में लीन कर देता है। तो जैसे संसार में सारी दुनिया काल के पेट में है और काल एक कलना है, कला है माने कलनम कला, एक कलना है, एक संकल्प है, संकल्प में काल है और काल में कुछ बनाने की जरूरत नहीं ऐसा है। इसी प्रकार जितने नाम हैं सृष्टि में ये सब मंत्र में लीन कर दो, अपने मंत्र में, मंत्र रहे और नाम दूसरे दुनिया के नाम न रहे, ये अमुक लाल और अमुक मल्ल और ये सब नाम न रहे, केवल मंत्र रहे, और मंत्र को अक्षर में लीन कर दो। बहुत सूक्ष्म हो गया ना, और अक्षर तो रेखाओं के खेल है ना, रेखाओं की कलई अक्षर है। अब देखो उसको बिंदु बिंदु कर दो, और बिंदु तो अपने लिए स्थान नहीं देता, लंबाई चौड़ाई हीन जो पदार्थ होगा वो स्थान लेता है, ये केवल कल्पना होती है। इसलिए अ देखते हैं तो आ में कुछ लकीरें हैं, और लकीरें तो बूंद बूंद हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कभी वो जो बड़ा करके दिखाने वाला शीशा होता है आरती, तो रेखा को आप उस शीशे से देखें तो रेखा नहीं दिखेगी, वो बूंद 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 अलग अलग रखा हुआ है, और बूंद की परिभाषा ये है कि उसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती और स्थान लेता है। तो लंबाई चौड़ाई हीन बिंदु स्थान कहाँ से लेगा, उस बिंदु में भी बिंदु होते हैं और उस बिंदु में भी बिंदु होते हैं। आप बिल्कुल सूक्ष्मतम दशा में पहुंच जाओगे और वो इतनी सूक्ष्मतम होगी कि आपके आत्मा से चेतन से बिल्कुल अलग दिखाई नहीं पड़ेगी, तब आपकी स्वरूपस्थिति हो गई। तो षडध्वा का चिंतन हुआ, अक्षर मंत्र और पद तीन ये, और कला काल और भुवन तीन ये, तीनों को तीनों के साथ जोड़कर स्थूल को सूक्ष्म में लीन कर लिया, और सूक्ष्म को देखना शुरू करो तो जितनी तुम्हारी दृष्टि सूक्ष्म होगी उसका दिखना बंद हो जाएगा, केवल अपना आपा सब कुछ देखने की भी जरूरत नहीं रहती है। तो ये इसको अध्व चिंतन बोलते हैं। अध्वा माने संस्कृत भाषा में मार्ग होता है, वो रास्ता, अध्वा माने रास्ता। तो ये छह ऐसे पथ हैं कि इनका तीन को तीन पथ को तीन में कर लो और तीन को एक में कर लो और वो एक अपने आप से जुदा नहीं होगा। तो इसको केवल अपने शरीर में ही नहीं
संपूर्ण विश्व में देखो, अस्य सर्वस्य विश्वस्य पर्यन्तेषु समन्ततः अध्व प्रक्रियया तत्त्वं शैवं ध्यात्वा महोदयः। जैसे शरीर में ये अध्वा है, इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में है, चारों ओर है। किसी भी कण को ले लो, और चाहे पिंड को ले लो, चाहे ब्रह्मांड को ले लो, चाहे कोटि कोटि ब्रह्मांडों की राशि को ले लो, इसमें सर्वत्र भुवन है, काल है, कला है, और सर्वत्र पद है, मंत्र है और अक्षर है। संपूर्ण विश्व को इस प्रकार से क्रमशः लीन कर लो और महोदय हो गया। बस महोदय हो गया माने सबसे महान जो आत्म तत्व है वो उसका आविर्भाव हो गया, वो प्रकट हो गया। तो ये शैव सिद्धांत में आत्मा का आविर्भाव माना जाता है। ये एक विवेक है इसका। ये वेदांती लोग है ना गड़बड़ झाले में न पड़े, इसके लिए सुनाते हैं। शैव सिद्धांत में आत्मा का जो स्वरूप है वो सर्वकर्ता, सर्वज्ञ और सर्वभोक्ता है, और सर्वत्यागी भी है। ये शैव सिद्धांत है। तो ये सगुण आत्मा, इसमें पृथक परमात्मा नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, परंतु सगुण है, वो सारी सृष्टि के रूप में वही प्रकट हुआ है। इसलिए जब सृष्टि का विस्तार करते हैं तो वही सृष्टि होकर प्रकट होता है, और जब सृष्टि का संकोच करते हैं तो वही आत्मा के रूप में प्रकट होता है। तो वहां महाभाग्य की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे विश्व सृष्टि को आत्मा का परिणाम मानो, चाहे विवर्त मानो, वो दोनों ही अवस्था में आत्मा का आविर्भाव मानते हैं कि जब सृष्टि का संकोच हो जाता है तब अपने आप ही आत्मा प्रकट हो जाता है। पर वेदांती लोग आत्मा में प्रकट होने वाला जो गुण है, प्रकट होना भी एक गुण है, इसको अद्वैत वेदांती गुण के रूप में, प्रकट होने के गुण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि नेति नेति के द्वारा सर्व का निषेध हो जाने पर जो अशेष विशेष निषेधावशेष तत्व है, अशेष विशेष निषेधावशेष जो तत्व है, सारी विशेषताओं का निषेध कर देने पर जो तत्व बच रहता है आत्मा प्रत्यक्ष चैतन्य, उसको तत्वमस्यादि महावाक्य ब्रह्म के रूप से सूचित करते हैं और अविद्या की निवृत्ति होती है। आत्मा स्वयं आविर्भूत होता है ऐसा नहीं, वो तो आविर्भाव तिरोभाव गुण से धर्म से रहित है। उसका स्वभाव न आविर्भाव का है न तिरोभाव का है। अविद्या उसको तिरोभूत कर देती है और अविद्या के नाश से वो नित्य आविर्भूत है। इसलिए वेदांतियों की प्रक्रिया में और शैवी प्रक्रिया में थोड़ा अंतर है। तो आप कहीं भी ये स्थूल से सूक्ष्म में जाने की प्रक्रिया है, और ये पंचकोश की भी है, कार्य कारण की भी है, पंचभूतों की भी है, ये सगद्वा की भी है, ये सब प्रक्रिया है संसार के राग द्वेष को मिटा करके एकत्व में स्थिर करने के लिए। वस्य सर्वस्य विश्वस्य पर्यन्तेषु समन्ततः। आपको ये भी सुनाने की इनकी पद्धति में भी सृष्टि क्रम से पैदा होती है ये मान्य नहीं है। जब हम बोलते हैं ना विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, तो शीशे में एक नगरी दिखती है, ये ऊंचा मकान है और ये ऊंचा मकान है, ये नीचा मकान है, ये ऊंचा मकान है, ये बावली है इसमें कमल खिले हुए हैं, पत्ता नीचे है कमल का फूल ऊपर है, कहिए देखो दो आदमी जा रहे हैं, एक 5 बरस का है और एक 30 बरस का है शीशे में। तो शीशे में 30 बरस वाला जब पैदा हुआ है जब ही 5 बरस वाला भी पैदा हुआ है, और जब 5 वर्ष वाला पैदा हुआ है तभी 30 वर्ष वाला पैदा हुआ है। उसमें जितनी गहराई में नीचा है उतनी गहराई में ऊंचा है। उसमें शीशे में
सरोवर जो है कमल भी वही है, आदमी भी वही है, शीशा ही है, शीशे के सिवाय तो और कुछ है नहीं। तो सृष्टि क्या क्रम से हुई क्या? तो सृष्टि क्रम से होती है, ये इसमें वेदांत का आग्रह नहीं है, और अक्रम से हुई है इसमें भी आग्रह नहीं है। परंतु जो सृष्टि स्थिति संहार से विलक्षण आत्म तत्व है, उसके संबंध में जो नासमझी है वो दूर करने में, नासमझी को दूर करने में वेदांत का आग्रह है। सृष्टि पहले हुई कि पीछे हुई, क्या पहले पैदा हुआ क्या आगे पैदा हुआ, इसमें उसका कोई आग्रह नहीं है। तो किसी भी प्रक्रिया से पहले हम अपने बाबा के साथ एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, जो बिल्कुल पद्धति पड़ी हुई थी, पगडंडी जो थी, लोगों के पांव के निशान बने थे, वहीं से जाते थे। और जरा भी हम किसी के खेत की ओर हो जाएं, मेड़ की ओर हो जाएं, तो हमारे बाबा जो हैं वो कहते हैं रास्ते से चलो, कहते थे ये देखो इसके खेत का नुकसान होगा, खेत में से चलो, पांव इधर उधर रखे, रास्ते में से चलो, खेत में से मत चलो, और देखो बेरास्ते मत जाओ। अब जब हम बड़े हो गए और गांव को पहचान लिया, रास्ते को पहचान लिया, किस कोण पर वो गांव है वो पहचान लिया, तो बाबा नहीं होते तो जिधर से मौज होती उधर से ही दौड़ के चले जाते थे, क्योंकि वो तो पहचानी हुई जगह हो गई ना। तो शुरू शुरू में रास्ते से चल करके चीज को पहचानना जरूरी होता है, और जब वस्तु और मार्ग और अपना घर सब पहचान में आ गया, तब उसमें रास्ते की जरूरत नहीं होती, कहीं से पकड़ के अपने मन को चाहे जहां एकाग्र कर सकते हैं। ऐसे उंगली दिखा दें और आप गौर से देखिए इस उंगली को, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। यही भरी सभा में जो हमारी उंगली को देखेगा उसका मन एकाग्र हो जाएगा, हमारी आंख को देखोगे आपका मन एकाग्र हो जाएगा, हमारी मुस्कान को देखोगे आपका मन एकाग्र हो जाएगा, हमारी नाक की बनावट अगर आपको ठीक ठीक दिख जाए तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा, बिल्कुल हो मेस्मराइज कर सकते हैं, हिप्नोटाइज कर सकते हैं। तो ये सब जो बात है इसमें लोग झूठ मूठ फंसते हैं, इससे कोई आध्यात्मिक उन्नति होती हो सो बात नहीं। ये तो जब सचमुच आप अध्यात्म के महत्व को समझोगे, आप अध्यात्म के महत्व को समझोगे, उसकी इच्छा होगी, उसके लिए अपनी शक्ति का सदुपयोग करोगे, तब वो सत्ता या उदय होगी जिसमें आकार नहीं है, वो ज्ञान उदय होगा जिससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं, वो आनंद उदय होगा जिससे कोई बड़ा आनंद नहीं, और वे हमसे अलग हैं इसकी कल्पना बिल्कुल मिट जाएगी। पर अपने को सच्चिदानंद जानना पूर्णता नहीं है, मैं हूं ये सत हुआ, है सत हुआ, और जानना चित हुआ, और प्रिय आनंद हुआ, मैं का वास्तविक स्वरूप है और वो ज्ञान है और वो प्रिय आनंद है, इतना जान लेना पूर्णता नहीं है। अपने को मैं सच्चिदानंद हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, ये जो वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ ये पूर्णता नहीं है, ये तो अपूर्ण का अपूर्ण अपनी परोक्ष पूर्णता का ध्यान कर रहा है, उपासना कर रहा है, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, जिसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है। परंतु पूर्णता तब होती है जब द्वैत की भ्रांति सर्वथा मिट जाती है, और भ्रम मिटाने के लिए प्रमा की आवश्यकता होती है। तो आओ महोदय हो जाओ, आप महोदय हो जाओ माने जिसमें आपका अस्त नहीं होता, एक उदय होता है एक महोदय होता है, आप कभी डूबोगे ही नहीं। ये सृष्टि चाहे क्रम से हो चाहे अक्रम से हो, चाहे विवर्त से हो चाहे परिणाम से हो, सृष्टि चाहे कुछ हो कुछ ना हो, ये चिंतन का विषय नहीं है। अपने आप का
जहाँ आवरण भंग हुआ वहाँ पूर्णता है। विश्व में तन महादेवी शून्य भूतम विचिन्तयेत् तत्रैव च मनोलीनम् ततस्तल्लय भाजनम्। आप विश्व का ख्याल मत करो, एक निरवकाश अवकाश का चिंतन करो, ऐसे अवकाश का चिंतन करो। तो भाई अवकाश का चिंतन हम बनावटी क्यों करें? अरे भाई चिंतन का बनावटी नहीं है, वो तो है, तुमने कभी देखा ही नहीं है। जिसमें एक आगे आवेगा प्रयोग, उसमें कहते हैं आप ध्यान करना चाहते हैं, जब हम आपको ध्येय बताते हैं। ये दोनों हाथ जो है ना, दोनों हाथ इसको कमर पर रख लो। कमर पर रखने से क्या होगा, देखो कितना आसान है। कमर पर दोनों हाथ रख के बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। तो बोले एक त्रिकोण बना के नहीं, आपके ध्यान में केवनी ऊपर बाहर निकल गए, एक कोण हो गया, एक त्रिकोण आकाश बना, आपके ध्यान में आ गया ना, ये ध्यान से एक त्रिकोण आकाश बना, दाहिने भी एक बना, बाएं भी एक बना, दो त्रिकोण बने। अब आपने अपने मन को इस त्रिकोण के आकाश में सीमित करो। देखो धारणा हो जाए, इन इसको योग की दृष्टि से धारणा बोलेंगे, देश बंधन चित्त से धारणा। बोले हाथ और ये शरीर तो कुछ है नहीं इस शून्याकाश में, इस शून्याकाश में ये क्या है, क्या इसका ख्याल छोड़ दो। तो ये आकाश किस में है, क्या जिसको मालूम पड़ रहा है उसमें है। आकाश है किस में, क्या जिसको मालूम पड़ रहा है उसमें है। तो जिसको मालूम पड़ रहा है वो तो आकाश से भी बड़ा है। तो ये त्रिकोण यंत्र में दाहिने भी बाएं भी दो आकाश तो तुम्हारे लटके फिर रहे हैं। तो अब ये देखो मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया, इसी में मन को डूब जाने दो। घटादि भाजने दृष्टिम भित्ति त्यक्त्वा विनिक्षिते। अच्छा जी, ये हमारा त्रिकोण तो हमारे शरीर में जो बनता है वो दिखता नहीं है, आंख को बंद कर लें, खोल लें, कैसे भी करें, ऐसे तिरछी नजर से देखेंगे तब न दिखेगा। तो बोले कि आओ हम सामने की चीज बताते हैं। घड़ा बैठा है, घड़ा रखा हुआ है, मैंने बैठा है किस कल्पना में बैठा है बोल दिया। ये फूल भी जो होती है ना उसमें कोई कल्पना होती है, फूल का भी मूल होता है। हम कहने ये जा रहे थे कि आप जो बैठे हैं, ये बैठा है यहाँ से चला गया घड़े के साथ, ये घड़ा ही बैठा है। क्या बढ़िया, तो घड़े का पेट है और कैसा गला है, हैं? और कैसा तुराही की तरह आगे तो मुंह है, हैं? ये घड़ा ही रखा हुआ है ये। बल्कि ये संत मता वाले जो हैं वो शरीर को घट ही बोलते हैं, वो घट के अंदर है भगवान, घट के अंदर है भगवान, घट घट बाती तो बोलते ही हैं। तो वहाँ घट घट माने यही घट, ब्रह्मा ने जो घड़ा गढ़ दिया है, गढ़ के जिसके अंदर हमको डाल दिया है, हमारी जान डाल दी है। तो ये घड़ा ही है, चलने वाला घड़ा है, पकड़ने वाला घड़ा है, देखने वाला घड़ा है, ये एक घड़ा है। तो ये जो आप मिट्टी का घड़ा कुम्हार का बनाया हुआ अपने सामने रख लीजिए, या रखा हुआ है तो उस पर जरा नजर डालिए। कहा महाराज नजर डाल दिया, डाल दिया। तो अब आप ऐसा देखो कि घड़े की जो दीवार है गोल गोल, पृथु बुधनोदराकार, मोटा और बड़ा पेट और शंख की तरह उसका गला, तो ये जो मिट्टी की बनी हुई चीज है घड़े में वो नहीं है और आकाश है। भीत को छोड़ दो, दीवार को हटा दो। तल्लयम तत्क्षणात् गत्वा, जहां आपने घड़े की भीत छोड़ी वहां आपका मन आकाश से एक हुआ। उड़िया बाबा जी महाराज बोला करते थे, आकाश कोष तनवो तनवो महांतः तस्मिन् पदे विगत चित्त लवा बसंती। महापुरुष कहाँ रहते हैं,
बोले आकाश ही उनका शरीर है, ये हड्डी मांस जान का उनका शरीर नहीं है, ये महाकाश उनका शरीर है। और अतनवा शरीर नहीं है, वे शरीर रहित हैं, आकाश शरीरी है, आकाश उनका शरीर है। तो कहाँ रहते हैं? बोले वो ब्रह्म रूप से रहते हैं और चित्त नाम की चीज उनमें नहीं है, न चित्त है न चैत्य है। आकाश उनका शरीर है, ये मिट्टी पानी का बना हुआ शरीर उनका शरीर नहीं है। और रहते कहाँ है? का अपने स्वरूप में, ब्रह्म में। तो वही उनकी बैठक है, बैठक कहाँ हमार? ये देखो, ये तो इससे क्या होगा कि इसमें परिच्छिन्नता में जो मैं बना हुआ है ये निकल जाएगा। अब एक बड़ा दृष्टांत देते हैं, जब वृक्ष गिर इत्यादि देशे दृष्टि विनिक्षिपे, ऐसे विशाल आकाश की ओर देखो जिसमें न पेड़ है न पहाड़ है न मकान है न धरती है, ऐसे विशाल आकाश को देखो, उसको देखते देखते तुम्हारा मन उस आकाश में लीन हो जाएगा और तुम क्षीण वृत्ति, तुम्हारी वृत्तियां शांत हो जाएंगी और तुम अंतर्यामी अथवा साक्षी अथवा ब्रह्म कूटस्थ अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। एक और सरल इससे भी आसान बताते हैं, उभयोर भावयोर ज्ञाने ध्यात्वा मध्यम समाश्रये जुगपत् च स्वयं त्यक्त्वा मध्ये तत्त्वं प्रकाशते। आपको कोई दो चीज दिख रही है, देखो दो उंगली दिख रही है। सूर्या बाबा जी महाराज कहते थे कि बिना अपने अभाव के कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, यदि कोई चीज दुनिया में दिखती है तो उसका अभाव भी दिखती है। जैसे दो उंगली दिखते हैं, तो यदि दो अंगुलियों के बीच में दोनों अंगुलियों का अभाव न होगा तो क्या दो दिखेंगे? यदि बीच में फोफर न हो, फोफर तो हिंदी का शब्द नहीं है शायद, अवकाश न हो, पोल न हो, यदि दोनों उंगलियों के बीच में पोल न हो, अवकाश न हो, दोनों का अभाव न हो, तो ये उंगलियां दो दिखेंगी? अच्छा, यदि एक उंगली के चारों ओर उंगली का अभाव न हो तो क्या उंगली दिखेगी? यही तो वेदांती पकड़ते हैं, कहते हैं प्रत्येक वस्तु जो दिखती है वो अपने अभाव से अनुभिज्ज होती है, अपने अभाव के अधिष्ठान में ही वो वस्तु दिखती है, जहाँ वो नहीं है वहीं दिखती है। लो, ये उंगली कहाँ दिख रही है? कि जहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है? कि आकाश में नहीं है। तो बोले आकाश में नहीं है, ये कैसे मालूम हुआ? कि लो अब हम यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ के आकाश में नहीं थी, यहाँ दिख रही थी, अब यहाँ के आकाश में दिख रही है, अब यहाँ के आकाश में दिख रही है। तो आकाश में उंगली होती तो सब जगह दिखाई पड़ती, उंगली तो उस आकाश में दिखाई पड़ती है जिसमें उंगली है ही नहीं। तो क्या करना है कि दो चीज अगर आपको दिखाई पड़ती हो तो वो दो उंगलियों को मत देखिए, दो उंगलियों के बीच में जो आकाश है उसको देखिए। हो गया ना निधार, तो निस्तार जुगपत चयम त्यक्त्वा, बारी बारी से नहीं, एक साथ दोनों उंगलियों को छोड़ दीजिए और दोनों उंगलियों के जो बीच में है उसको देखिए, वो बनाना नहीं है। तो क्या होगा? बोले देखो, संधि में तत्व का प्रकाश होता है, आपको अपनी पूर्णता का नाम रूप से रहित जो अपना स्वरूप है उसका प्रकाश मिल जाएगा।